बॉडी फूड है मात है। घरे बहू ने कहते कि जल्दी आ जाओ, जो ने किया भे आउट में चलो गो। जो अब नहीं बता सका थे कि जो खेत में पहुंच पाओ कि बावन पे जाई कर तू गौण बाबा पे, उतो नहीं पहुंच पाओ। जो जात हुआ वहाँ बावन पे तो वहीं जो साहब 10 बजे हो या 10:30 बजे हो, इतनी बेरा घटना हो गई। आपको कब पता चला? हमको पता चला 3 बजे। किसके द्वारा पता चला, किसने बताया? हमें वही हमारा भाई है, वो गया धरगवा रहा था, मैं जो कर गया लड़का बहू रहा थी उरई में। आपको किसी पर शक है? किसने है? आपको किसी पर शक है? किसने परवान ने मार महे उसमें? वो जीतू है, वो नंदू मौखरी को जीतू है का नाम की नदी ओ को कोच की इनने धमकी दई घरे आन के कि हम तुझे 15 रोज के भीतर ही भीतर ले ले हैं। आपने पुलिस को तहरीर दी है लिखित में? हाँ दई है साहब। नाम खोले हैं अपने लोगों के? लिखे हैं नाम? अब है लिखे। अभी इसमें ब्रजमोहन और भोले नाम के व्यक्ति की एक डेडबॉडी मिली है। रात में सूचना आई थी जिस पर सारे अधिकारी वहां पर गए थे, थाने वाले भी गए थे, फील्ड यूनिट भी गई थी। तो उसकी छानबीन करने के बाद डेडबॉडी को वहाँ से हटाया गया था। उसमें उसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन सुबह उसकी पहचान हो गई है। ये ब्रजमोहन और भोले हैं। उनकी हत्या किए जाने की बात बताई गई है। उनके परिजनों द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। उनकी जांच की जा रही है और पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जांच करने के उपरांत जो सही तथ्य पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी। परिजनों ने आरोप लगाया कि अभी 5 दिन पहले फोन पर धमकी भी मिली थी और जान से मार देंगे और हाँ, उन लोगों किसी लोगों पर आरोप लगाया है। उनको पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाया भी गया है और लोगों से बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। पूछताछ के उपरांत और तथ्य इकट्ठा करने के उपरांत जो सही होगा उसके हिसाब से कार्रवाई कराई जाएगी।